आप सभी का स्वागत दोस्तों एक बार फिर से मेरे टेरेस गार्डन में। और देखिए आज कितनी अच्छी हवा चल रही है, हालांकि सुबह का टाइम है, थोड़ी सी गर्मी भी है। और ये देखिए ये मेरा मोगरा जिसको मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको प्रूनिंग करते हुए दिखाया था, और इसमें देखिए कितनी जल्दी ग्रोथ ले लिए, इसमें बर्ड्स और कलियाँ सब बनने लगी हैं देखिए। हालांकि आज मैं मोगरा के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तो आप पहले ये देखिए। ये मेरी फ्लावरिंग है गुड़हल पे, ये तो हाँ जी आज का दोस्तों मेरा सब्जेक्ट गुड़हल ही है। और ये देखिए मेरे गुड़हल पे कितनी फ्लावरिंग हो रही है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास गुड़हल के कौन कौन से कलर हैं, यानी कि हिबिस्कस के, और कितनी उनमें फ्लावरिंग हो रही है, क्या उनका केयर करना है, कैसे उनको रखना है, ये सब आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो पहले तो शुरुआत इससे करते हैं। ये देखिए ये भी मेरा एक रेड कलर का, लेकिन ये थोड़ी अलग वैरायटी है, हालांकि इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है और इसे मैंने कटिंग से लगाया था। तो ये मेरा रेड कलर का एक है वैरायटी गुड़हल की, और इससे डिफरेंट है, जो ये वाला रेड है इससे ये थोड़ी डिफरेंट है। और देखिए इसमें भी अब शुरू होने वाली है फ्लावरिंग, जैसी आएगी मैं आपको दिखाऊँगी। उसके अलावा ये है, ये मैंने ख़रीद के लगाया था, ये मेरा पीच कलर का गुड़हल है, हालांकि इसमें भी अभी फ्लावरिंग नहीं है, लेकिन कलियां देखिए इसमें बनने शुरू हो गई हैं, ये देखिए। और यहाँ पर ये रेड तो मैंने दिखाया ही आपको कई बार, तो रेड कलर है मेरे पास। इसके अलावा एक और है यहाँ पर, ये देखिए ये येल्लो कलर है, इसमें भी बर्ड्स बनने शुरू हो गए हैं। और ये देखिए आपको कलर दिख भी रहा होगा, थोड़ा थोड़ा येल्लो का इसमें आ रहा है, तो ये येल्लो कलर का मेरा गुड़हल है। और ये वाइट जो अभी मैंने आपको दिखाया था शुरू में, तो वाइट में देखिए कितनी फ्लावरिंग इसमें है, एकदम से भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। इसके अलावा ये यहाँ पर मेरा जो है डबल पेटल वाला पिंक कलर का, जो मैंने कई बार जब खूब इस पर फ्लावरिंग होती थी तब आपको दिखाया है, ये देखिए। और ये मेरे पास एक नहीं दो प्लांट हैं, दोनों एक साथ मैंने रखे हुए हैं। और बीच में मैंने आपको बताया था कि ये अभी रेस्ट पे है, इसने जुलाई में खूब फ्लावरिंग की और अगस्त का पूरा महीना इसने रेस्ट लिया है। तो अब देखिए इसमें फिर से दोबारा बर्ड्स बनने शुरू हो गए हैं, ये देखिए, और अब ये फिर से जम के फ्लावरिंग करेगा। तो ये मेरा गुड़हल का कलेक्शन यहाँ पर। और गुड़हल के जो लिए सबसे पहली केयर जो होती है वो ये होती है कि आपको इसको फुल सनलाइट में रखना है, कम से कम पूरे दिन की इनको धूप चाहिए होती है। गुड़हल के प्लांट चाहे वो देसी हों चाहे हाइब्रिड हों, उन सबको धूप चाहिए होती है। ये देखिए मेरे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा धूप आ रही है सुबह सुबह की, ये धूप 9 बजे आ जाती है यहाँ पर। और अभी भी मैं मॉर्निंग में ही वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि शाम तक ये जो रेड वाला गुड़हल होता है ना, ये थोड़ा मुरझा जाता है, रोज़ कलियाँ खिलती है रोज़ मुरझा जाता है, इसलिए मैं सोच रही थी कि खिली हुई दिखाऊँ, इसलिए मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए पूरा दिन की सनलाइट मेरी है यहाँ पर, और तो इनको पूरी सनलाइट चाहिए, पानी भी इनको चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है इसमें एकदम से कीचड़ कीचड़ वाला पानी नहीं चाहिए। देखिए पानी मैंने सुबह डाला था पाइप से, और ये देखिए मिट्टी मेरी ऐसी कि पानी देखो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और नीचे चला जाएगा, तो मतलब कीचड़ कीचड़ नहीं चाहिए, पानी चाहिए लेकिन कीचड़ कीचड़ नहीं चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल इसकी चाहिए होती है। और ये देखिए धूप पानी के अलावा जो एक मैंने अभी शॉर्ट वीडियो बनाया जिसमें मैंने इंस्टेंट फर्टिलाइज़र इसके लिए बताए हैं आपको, तो वो भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं पोस्ट कर दूंगी उसको भी। और ये देखिए, और जो वैसे फर्टिलाइज़र हैं वो मैं आपको बताए दे रही हूँ, हालांकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं जो है बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, मैं केमिकल वाले कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती, इवन मैं फूलों में भी केमिकल नहीं डालती हूँ, मैं सोचती हूँ वो मिट्टी फिर इधर उधर चली जाती है। तो मैं नीम खली आप डाल सकते हैं इसमें, कंपोस्टी जैसे बना के, नीम खली हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, ये सब आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने और भी कड़ी पत्ते वाले वीडियो में बहुत सारे फर्टिलाइज़र बताए हैं, वो सब आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे प्याज लहसुन के छिलकों का पानी और खट्टी मट्ठा वाला जो मैंने बताया था, क्योंकि और कॉफ़ी पाउच या चाय की पत्ती, जो क्योंकि इनको एसिडिक सॉइल, जो भी फ्लावर प्लांट होते हैं बेसिकली उनको सबको एसिडिक सॉइल बहुत पसंद होती है, तो आप ये सब उनमें डाल सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप लोग जो है वैसी खाद में इंटरेस्टेड हैं या कंफर्टेबल हैं तो आप उसमें भी डाल सकते हैं एनपीके डीपीके, वो उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो आप चाहें तो उसके साथ कंफर्टेबल हैं तो वो भी डाल सकते हैं। क्वांटिटी मेरे ख्याल से उसकी बहुत कम रखनी होती है क्योंकि वो प्लांट उससे जल भी जाते हैं, पेस्टिसाइड वाली खाद जो होती है। और इसके अलावा सर्दियों की शुरुआत से लगा लीजिए अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक जो है आप इसमें जो है नी ओ सॉरी सरसों की खली इसमें डाल सकते हैं आप, और वो भी एक अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करती है, पर वो थोड़ी गर्म होती है और प्लांट्स को थोड़ी गर्म रखती है, तो उसका सर्दियों में ही यूज़ कीजिएगा आप लोग। इसके अलावा किसी ने पूछा था कि उनके प्लांट्स में जो है गुड़हल में ख़ास तौर पे मिलीबग का अटैक हो रहा है, तो ये देखिए मिलीबग मेरे उसमें भी लगी है, हालांकि बहुत ज़्यादा लगी नहीं है। ये देखिए इनको वैसे मैं मैन्युअली भी देखिए ऐसे हटा लेती हूँ, या फिर जब मैं पानी डालती हूँ प्लांट्स में तो पाइप से बहुत तेज़ धार मारकर इनको जो है गिरा देती हूँ, तो ये सब धुल जाती हैं, और ऐसा मैं कंटिन्यू करती हूँ तो इसकी वजह से मेरे प्लांट में बहुत ज़्यादा देखिए मिलीबग मेरे किसी गुड़हल में है नहीं, है लेकिन इक्का दुक्का किसी किसी में, और जिनमें है ये देखिए मैं मैन्युअली इनको ऐसे हटा देती हूँ, और जिसमें बहुत ज़्यादा होता है उसे पूरा कट करके दूर फेंक देती हूँ। तो ये देखिए इसके अलावा आप ऑर्गेनिक में नीम ऑयल के ऑप्शन पे जा सकते हैं, नीम ऑयल का आप इसमें छिड़काव करेंगे कंटिन्यू, मतलब एक दो दिन छोड़ के तो भी आपका जो है ये मिलीबग का और ये एफिड्स वगैरह का जो अटैक होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, उसके बाद ख़त्म होते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी जो बात आती है, आप मिट्टी इतनी अच्छी अपने गुड़हल में बनाइए, इतने अच्छे से उसमें मिट्टी बनाइए कि आपका जो है प्लांट बिल्कुल हेल्दी रहे, उसमें जो है उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, और उसमें जो है एफिड्स वगैरह या फिर जो भी कीड़े मकोड़े हैं उनका अटैक होना बिल्कुल कम हो जाए। जैसे देखिए मेरे भी प्लांट्स में लगे हुए थे, इक्का दुक्का लगे हैं, बाकी देखिए मेरे किसी गुड़हल में आपको दिख नहीं रहे होंगे कि कहीं से भी इनमें को जो है कोई मिलीबग या कोई एफिड्स का या कोई भी अटैक हो रहा है। हाँ किसी किसी में जो मैं ख़रीद के लाई थी इनमें ज़्यादा हो रहा है, ये देखिए एक दो जो ख़रीद के मैंने लिए हैं, हालांकि इसमें मैंने अभी नीम खली वगैरह अच्छे से मिट्टी बनाई नहीं है तो इनमें मेरे हो रहे हैं, लेकिन बाकी जो मेरे और जो पहले से मेरे पास प्लांट है देखिए इतने सारे हैं, इनमें किसी में भी देखिए हो नहीं रहा है मिलीबग का अटैक, क्योंकि मैंने मिट्टी इतनी अच्छी और इतनी रिच बनाई है कि इनकी इम्यूनिटी पौधे की अपने आप बढ़ जाती है, तो जो है उसमें बीमारियां लगने का खतरा खुद ब खुद कम हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है कि मिट्टी जो है आप बिल्कुल रिच बनाइए, और उसमें जो है जैसे आपकी गार्डन सॉइल होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है, नीम खली होती है, ये सब चीज़ें आप अच्छे से मिलाएंगे बराबर बराबर मात्रा में, तो आपका प्लांट खूब अच्छे से हेल्दी रहेगा, खूब अच्छे से ग्रो करेगा, और इसमें बीमारियाँ लगने का जो है खतरा कम होता चला जाएगा। और इसके अलावा समय समय पर आप इसकी प्रूनिंग करती रहिए, जैसे देखिए अभी फ्लावर आ चुके हैं, आके जैसे फ्लावर ख़त्म हो जाएंगे, बर्ड्स सारी बन जाएंगे और फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी, तो देखिए वैसे तो मैं ये पुराने पुराने हटाती रहती हूँ बीच बीच में, लेकिन जैसे फ्लावरिंग आके ख़त्म हो जाएगी तो आप इसकी थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहिए, और साल में एक बार इसके पूरे गमले को पलट के इसकी जड़ों की भी अच्छे से प्रूनिंग करके जो है आप इसको दोबारा से सॉइल में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, एकदम अच्छे से इसको मतलब जब जड़ें फैलने लगेंगी तो उसमें खुद ब खुद जान आ जाएगी। हालांकि मुझे अपना ये वाला भी करना था लेकिन देखिए इसकी भी काफ़ी सारी जड़ जो हो रही हैं, लेकिन ये इतना अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है कि अभी मैं इसको कर नहीं रही हूँ, कुछ टाइम ये फ्लावरिंग करना बंद कर देगा तो तब मैं इसको फिर से निकाल के इसका जो है पूरी रूट इसकी प्रून करूँगी। तो ये थी गुड़हल को लेके थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, धूप पानी प्रूनिंग और मिट्टी ये चीज़ें इसमें बहुत मैटर करती हैं। अगर आपको गुड़हल में फूल चाहिए तो आपको इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। तो अब लास्ट में एक हम्बल सी रिक्वेस्ट फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए या आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे
बताइए आपको किस किस टाइप की वीडियो चाहिए या आपको किस किस प्लांट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट करके बताइए। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।